कांग्रेस पार्टी है ते आम आदमी पार्टी है अपनिया नाकामिया अपनिया कमजोरिया उन्हों की बेस खत्म हो गई है। डेढ़ साल इलेक्शन रह गया, उन्होंने जान के झूठा पोलिटिकल स्टंट करना शुरू किया। MSP ना खत्म होगी, ना श्रोमणी अकाली दल खत्म होन दऊगा, खरीद ना बंद होगी, ना श्रोमणी अकाली दल बंद होन दऊगा। मैं तुम्हें अच्छी गरंटी, पंजाब की जनता को गरंटी दूंगा। गुरमीत राम जी लैके लगातार ही बहुत चर्चा भी चल रही है, तो एक नवी वीडियो वायरल हो रही है गुरमीत राम जी की, जिसे उन्होंने कहा कि जी पोशाक सी वो कितों लैके आती है, तो किने दिती सी? कांग्रेस पार्टी है ते जेड़े दूजियां पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी वाले सारे ही झूठे प्रोपागंडा ते लगे है। मैनू तो हैरानी आती है भगवंत मान वर्गे जिन्होंने अपनी माँ की सहुं खाधी सी कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, जिहड़ी अपनी माँ की झूठी सहुं खा सकता है, जिहड़ा मुख्यमंत्री गुटका साहब की झूठी सहुं खा सकता है, कि आप उन्हां दी गल्लां ते विश्वास कर सकते? जे कणक दी ते झोने दी अगलियां फसलां ना चक्कियां गईयां, जे चक्कियां गईयां उन्हां नूं इस्तीफा देना चाहिए, जे ना चक्कियां गईयां श्रोमणी अकाली दल सियासत पछे हो जूगा। जे कणक दी ते झोने दी अगलियां फसलां ना चक्कियां गईयां, जे चक्कियां गईयां उन्हां नूं इस्तीफा देना चाहिए, जे ना चक्कियां गईयां श्रोमणी अकाली दल सियासत पछे हो जूगा। बिल्कुल थोड़ी गल सही है कि जेड़ा एजेंडे विच जेड़े चीज़ां लिखिया सी, जेड़ी इन्होंने मैनीफेस्टो विच चीज़ां लिखिया सी, वह सारिया तो मुकर गए है। आ जिहड़ियां प्राइवेट मंडियां बनाउण दी गल, आ भी इन्होंने अपने मैनीफेस्टो च ही लिखिया सी, जिहड़ी दे हुण विरोध करदे आ जिहड़े कैप्टन लगे है, अपने चोण मैनीफेस्टो लिखिया सी, करजा माफ करना, आ जिहड़े कंपनसेशन देनी, आ मक्की चक्कनी MSP, सारियां चीज़ां इन्होंने मैनीफेस्टो ते लिखिया सी जिहड़ी अज रुल रही है। हाँ जी जी, किसानां वालों नूं बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जिहड़ी है इहदे च जिहड़ा खत्म हो जाएगा, खरीद नूं खत्म हो जाएगा, जबकि कांग्रेस के अकाली दल ते BJP कह रही है कि कोई मंडीकरण नहीं, कुछ बंद होएगा, सब कुछ नहीं बंद होएगा, उहदे बावजूद क्यों ये प्रोपेगेंडा बना के जिहड़े किसान कांग्रेस इस नूं लैके चल रहे? मैं उही कह रहा कि जिहड़े कांग्रेस पार्टी है ते आम आदमी पार्टी है अपनिया नाकामिया अपनिया कमजोरिया उन्हों की बेस खत्म हो गई है। डेढ़ साल इलेक्शन रह गया, उन्होंने जान के झूठा पोलिटिकल स्टंट करना शुरू किया है, तो जान के आ झूठ बोल रहे हैं, तो MSP ना खत्म होगी, ना श्रोमणी अकाली दल खत्म होन दऊगा, खरीद ना बंद होगी, ना श्रोमणी अकाली दल बंद होन दऊगा। मैं तुम्हें अच्छी गरंटी पंजाब की जनता को गरंटी दें। कांग्रेस जिहड़ी पार्टी है ना, जे किसानां दी पार्टी असली गल करो ना, श्रोमणी अकाली दल है। अज तक पंजाब विच जिन्नियां भी सहूलतां, जिन्ना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्ना भी मंडीकरण, सारा ही श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां दे दौरान बणिया, एक भी चीज़ कांग्रेस दे टाइम च नहीं बनी। आ सारियां मंडियां MSP जिहड़ी सेंटर विच लागू कराई, वह भी उदों श्रोमणी अकाली दल ने संघर्ष किया, सरदार गुरनाम सिंह श्रोमणी अकाली दल के मुख्यमंत्री सी, उदों सेंटर तो मजबूर अनाउंस किया, जो अज तक चल रही है। हाँ जी आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। यार आ सारा कुछ ही आ छोटी जेड़ी कांग्रेस पार्टी है ते जेड़े दूजियां पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी वाले
सारा ही झूठे प्रोपागंडा ते लगे है। तो मैनू एक मैं आम आदमी पार्टी के लीडर ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल ये जवाब क्यों नहीं दिंदा, एडी हर झूठ से मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं ना आम आदमी पार्टी तो सर्टिफिकेट लेने है, ना कांग्रेस पार्टी तो लेना है। पंजाब की जनता जानती है साहब प्रकाश सिंह जी बादल नूं ते बादल परिवार नूं। जिहड़ी जनता ने पांच बार मुख्यमंत्री बनाया वो सारी पंजाब की जनता जानती है कि कौम प्रति, पंथ प्रति, पंजाब प्रति, किसान प्रति, गरीब प्रति की बादल परिवार की सोच है। तो जिन्ना भी झूठ बोली जाओ हर झूठ का असी जवाब नहीं देना। आ सारे अपनियां कमजोरियां लुकाउण करके जान के डायरेक्शन दूजे पासे करना चाहते हैं पर कामयाब नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की भी असलियत पता लग गई, कांग्रेस की भी असलियत है। मैनू तो हैरानी आती है भगवंत मान वर्गे जिन्होंने अपनी माँ की सहुं खाधी सी कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, उन्हें भी अगले तुम आप सारे प्रेस वाले जानते हो उन्हें सहु पूरी की रखी है। जिहड़ी अपनी माँ की झूठी सहु खा सकता है, जिहड़ा मुख्यमंत्री गुटका साहब की झूठी सहु खा सकता है, कि आप उन्हां दी गल्लां ते विश्वास कर सकते हैं? मैं 2016 की भी तुसी 2016 की भी साड़ी स्टेटमेंट देख लो। मैं क्या सी जिहड़ी पंजाब विच ड्रग्स आउंदे है आ सारे पाकिस्तान तो आउंदे है, आ इंटरनेशनल पाकिस्तान ड्रग टेररिज्म शुरू कीते आ पंजाब च। ते मैं क्या जिहड़े आउंदे है ड्रग्स पाकिस्तान तो आउंदे है, बॉर्डर तो आउंदे है, तुसीं देखिया होना है असीं धरना भी दित्ता सी, पर गुटका साहब दी सौं खा के इन्हां ने कहा सी असीं एक महीने तोड़ बंद कर दांगे। पर हुण की हो रहा है, हुण तां रिकॉर्ड तोड़ दिते कांग्रेस दे MLA, उन्होंने गैंगस्टरां नूं पूरी प्रोटैक्शन दिती है। ते अज जिन्ने कांग्रेस दे MLA जिन्ने ड्रग पुशर्स है सारिआं तों महीना लई जांदे है। तुसीं देख लो लॉकडाउन होया शराब देखो घर घर पहुँचा दी सी कांग्रेस दे MLA ने, समगलिंग चिट्टा ड्रग्स घर घर पहुँचा रही सी, क्यों इन्हां सारिआं दे पास बनाए सी, सारे कांग्रेस दे लीडर ने पास बनाए सी। मैं पूछना चाहुंदा किन्ने ड्रग समगलर फड़े इन्हां ने, एक वड्डा समगलर दसो, क्योंकि सारे तो महीना लैंदे है। तो अज हालात इन्नी हो गई, इन्ने ड्रग्स मैं पहले नहीं जिंदगी देखे, अज घर घर चले जाको किन्ने बुरा हाल हो गया। सुखबीर जी तुसी अगे आ गए कि सुखबीर जी करी जावे तो मुलाजम लगातार हो प्रोटेस्ट कर रहे ने, वो कहंदे कि जेड़े फैसले सरकार ले रही है पे कमीशन दी गल होवे या दूजे पासे रीस्ट्रक्चरिंग दी गल होवे ओदे नाल नौकरियां, ये कह रहे सी असी दवांगे पर ये तां होर कट जाणगीआं पहलां नाल। मैनू बड़ा दुख आउंदा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने जिहड़ा नवां कानून बनाया है, पहले पंजाब दा अलग पे कमीशन हुंदा सी, सेंटर दा अलग पे कमीशन हुंदा सी, पंजाब दी जिन्ने मुलाजम है पंजाब दे पे कमीशन दे हिसाब नाल उहनां दीआं सैलरियां मिलदियां सी, पर कैप्टन ने उह बंद कर दित्ता। हुण सेंटर दे पे कमीशन दे लाते जो बहुत घट है, आ एक बहुत वड्डा छुरा पंजाब दे मुलाजमां दे पिट ते मारिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। मैं पंजाब दे मुलाजमां नूं ते सारे पंजाबी नूं दसना चाहुंदा जिन्ने भी पे कमीशन बने है पिछले कई सालां तों, देख लो साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने बनाए, जिन्ने भी पे कमीशन लागू होए है वह भी साहब प्रकाश सिंह बादल ने लागू किए, एक भी पे कमीशन ना इन्होंने लागू किया है। हुण देख लो 3 साल हो गए हाले तक पे कमीशन लागू नहीं किया। खरीद एजेंसियां खरीद नहीं करनी
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੱਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ मैं वीर दविंदर सिंह नूं मैं कहना चाहना अगले दो तीन महीनों बाद अपनी झोने की फसल आनी है तो कणक की फसल हो जूगी जे कणक की झोने की अगली फसल ना चक्या गई जे चक्या गई उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए जे ना चक्या गई श्रोमणी अकाली दल सियासत पछे हो जूगा इन्ना झूठ बोली जाते हैं वीर दविंदर सिंह जी अगली तीन फसलां थोड़े सामने आनी है दस फसलां सामने आनी है हर फसल एम एस पी से चक्की जाऊगी तो खरीदी जाऊगी झूठ ना बोलो लोगों को गुमराह ना करो सुखबीर जी एक सवाल है सुखबीर जी पेंशन वाला मुद्दा उठा पेंशन जिहड़ियां हुण कहा जा रहा है कि कई पेंशन दे विच गड़बड़ दा दावा किया जा रहा है कि पेंशन वसूली वापस ले जाएगी तो एक वड्डा जिहड़ी पेंशन है मैं पंजाब दे हर हलका इंचार्ज नूं लीडर नूं टेलीफोन किया कई सरपंचां नूं पता किया मैं क्या थोड़े पिंडां च किते सरकार दा कोई अफसर है चैक करन वास्ते कि पेंशन सही लगी है गलत लगी है हर जगह तो मैनूं इक्को ही रिपोर्ट आई है तो किसे पंजाब दे पिंड च कोई अफसर ने जाके देखिया नहीं है सही लगी है ना गलत लगी है असली गल नहीं देने इन्होंने इस करके नंबर घटा रहे हैं कि नंबर घटा के पेंशन घट लगेगी अब बहाना लाई जाती है कांग्रेस सरकार तो असी पूरा विश्वास दोने असी लड़ाई श्रोमणी अकाली दल जिन्हों की कट्टी जाऊगी असी लड़ाई लड़ांगे मैं ओही कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक साढ़े बादल साहब ने स्कीम लियांदी सी आटा दाल दी नीले कार्ड बनाए सी नीले कार्ड राही जिन्हां नूं राशन मिलना सी उन्हां नूं नहीं दित्ता जिहड़ा सेंटर दा राशन आया है वह भी इन्हां दे कांग्रेस दे एमएलएयां ने वह भी गायब कर दिता थोड़ी अपनी प्रेस रिपोर्ट है जलंधर दे कांग्रेस दे एमएलए दे होटल विच ट्रक फड़े गए सरकारी राशन दे आ तां जिहड़ी चीज़ उन्हां नूं मुफ्त मिली है सेंटर तो मिली है वह भी नहीं वंड रहे आ तां लुट्टन ते लगे है ते जिहड़ी लोकां ने दान दित्ते है कोविड वास्ते लड़ाई लड़न वास्ते वह भी पैसा रखी बैठे है मैं ताइयों कह रहा कैप जिहड़ा मुख्यमंत्री पिछले साढ़े तीन साल तो लॉकडाउन च है जिहड़ा मुख्यमंत्री साढ़े तीन साल पंजाब च नहीं आया जिहड़े मुख्यमंत्री नूं पता ही नहीं पंजाब च हो की रहा है वह की करूगा की कंपनसेशन दूगा की लोगों की सहूलत करूगा स्पष्टीकरण दे दो की है पहली गल सवाल है कि तुसी दो दिन हो गए वीरपाल कौर नु भी जेड़ा नोटिस भेजा सी उसका की स्टेटस हो भी दस दो वो तो असी उन्होंने टाइम दिता थोनू पता ही है सारा झूठ का पलंदा दूजी गल आ जिहड़े तुसी ढींडसा साहब की गल जिहड़े पिलर टुट गए सी जंग लगी सी ओही ओही गए है कोई पिलर नहीं गया साडी पिलर सारे बैठे मेरे नाल साडी पार्टी सारी इत्थे है दूजी गल आ जिहड़ी बेअदबी का इशू है साढ़े तीन साल हो गए इन्हां दी सरकार नूं साढ़े तीन साल दसो की कीता है आ सारा ही ड्रामा रहा पॉलिटिक्स खेड रहा पंजाब की जनता बहुत सियाणी है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बेअदबी की गल तुसी नहीं कर सकते इन्होंने टैंकां तोपां ना दरबार साहब ते हमला किया जिन्हें हजार सिखां दा कतलेआम किया है हुण ओह बेअदबी की गल साडे तो गल करदे है श्रोमणी अकाली दल पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है गुरु घरां की सेवा करन वाली जथेबंदी है सौ साल हो गए
हर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च पंजाब सिख कौम ने लगातार विश्वास प्रकट किया है। हुण जाखड़ वर्गे बेअदबी की गल करनगे, जाखड़ के बाप ने आप कहा है जे हज़ार सिख भी कतल करने पैण, 10 लाख सिख भी कतल करने पैण, असी कर दांगे। हुण वो बंदे सिक्खी की गल करते, सिखा की हक की गल करते, सारे ड्रामेबाज है, कौम के दुश्मन है, आ अपनी कमजोरिया लुको के आ बार बार इन्हों की गल नहीं बनूगी। मैं थोनू एक गल क्लीयर करना चाहना, जे तुसी जिहड़ा ऑर्डिनेंस है, जे तुसी उहदी ऑर्डिनेंस पढ़ोगे उहदे च क्लीयर लिखिया है, ऑर्डिनेंस लिखिया है कि जिहड़ा पंजाब दा मंडियां सिस्टम है वह रहूगा जिवें है उवें रहूगा। पंजाब दी सरकारी मंडियां भावें पिंडां च है, भावें शहरां च है, भावें वड्डे वड्डे कस्बियां च है, सारियां मंडियां उवें रहणगियां। जिन्नी सरकारी सेंटर दी सरकार जो चीज़ खरीदी है, जिवें कणक ते झोना खरीदी है, वह कल्ली सरकारी मंडिया च खरीदी जाऊगी, प्राइवेट मंडिया च नहीं खरीदी जाऊगी, वह सरकारी मंडिया च खरीदी जाऊगी। जो टैक्स पंजाब की सरकार लाउंदी है वह उवें लगता रहेगा, जो कमीशन भावें आड़ती है जिन्हों मिलना चाहिए उवें मिलता रहेगा। आ उस एक्ट के लिखे है, ऑर्डिनेंस के लिखे मैं इस गल च बड़ा क्लियर है, मैनू हैरानी आउंदी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे, आप तो अपने आप नूं घर च बंद कर लिया, तो आप कहता कि 5 बंदे तो बाद तुसी कट्ठा कट्ठे नहीं हो सकते, नाले तुसी कोई पोलिटिकल गल नहीं कर सकते, तो उस टाइम तो कहता असी इलैक्शन लड़ना है। असली निशाना की है कि इन्होंने सारे विरोधियां पार्टियां के कागज रद्द करके अपने कांग्रेसियां नुमाइंदे नूं जिता देना, आई इन्हां दा निशाना है। जिवें इन्होंने जिला परिषद इलैक्शन किया सी ते ब्लाक समिति इलैक्शन किया सी, पर उन्हां नूं पता नहीं धक्के नाल दिल नहीं जितते जाते, दिल कल्ले काम करके प्यार नाल जितते जाते। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इलेक्शन अज हालात नहीं है इलेक्शन कराए जान। किसान ऑर्डिनेंस नूं लैके पंजाब सरकार ने दावा करी कि जिहड़ा 2017 दे विच एएमपीसी एक्ट लगाया गया सी उस दे विच पंजाब सरकार ने किसानां नूं प्रोटेक्शन दित्ती सी, उन्हां नूं सिक्योर रख्या सी, पर जिहड़ा हुण केंद्र सरकार लैके आई है ऑर्डिनेंस इस दे विच किसानां नूं व्यापारियां दे हवाले कर दित्ता गया। मैं कैप्टन साहब नूं पुछना चाहना या जाखड़ या जिन्हें भी कांग्रेसी ने कहा मैनूं अपने जिहड़ा एक्ट बनाया उन्होंने 2017 दिखा दिओ कित्थे फर्क है, जिहड़े ऑर्डिनेंस दे विच फर्क ही है। एवें झूठ बोली जांदे आ, आपां कांग्रेस ते किवें विश्वास कर सकते हैं। गुटका साहब भी झूठी सौं खा के मुकर सकते हैं, तो लोगों तो मिनटा रोज़ ही झूठ बोलते हैं। असी सेंटर नाल गल कीती, उन्होंने मंत्री साहब ने कहा जदों भी किसान जत्थे दी जदों भी कहन सानू दस दिओ असी मिलांगे। मैं जथेबंदियां नूं सद्दा दित्ता है, मैं उन्होंने गल भी करना जदों भी वह चाहुण, मैं ओपन थोड़े राय भी सद्दा दिना है,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਅਨਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਏ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਬੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ, ਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣੂਗੀ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
मैं उन्हां बारे की जवाब देवां। देखो वो कहते सी कि सुखबीर सिंह बादल नूं प्रधान बनाता, मैनू सुखबीर सिंह बादल नूं श्रोमणी अकाली दल दे मैंबरशिप राही डेलीगेटा राही मैं चुनिया गया। ढींसा साहब नूं पुछो तुहानूं किहने बनाया प्रधान, कि मैंबरशिप की है, आप ही प्रधान बन गए। जे प्रधान लड़ाई असली प्रधान सी उन्हां दा सुपना सी कि मैं प्रधान बनना अकाली दल दा, श्रोमणी अकाली दल दा, ते उन्होंने श्रोमणी अकाली दल अपना सुपना पूरा करने वास्ते श्रोमणी अकाली दल दे पिट ते छुरा मार के जिस पार्टी ने जो ढींसा साहब अज है वह ढींसा साहब आप अपनी मेहनत ना नहीं बने, श्रोमणी अकाली दल ने बनाया। अज जे राज्यसभा दे मैंबर है क्यों नहीं छड्डदे, वजीरियां क्यों नहीं मांग मरे, जो चीज़ा मिली हैं श्रोमणी अकाली दल वास्ते मिली हैं, तो अज इन्ने साल बाद पिट ते छुरा मारना, क्योंकि उन्होंने सुपना सी कि मैं प्रधान बनना है, तो सुपना उन्होंने पिट ते छुरा मार के अपना जाली जा दल बना के वह पूरा कर रहे हैं। जो मर्जी सुपने ले जान, सुपने लेना हर बंदे का हक है, ले लैन सुपने। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।